अरे सर्वेश, क्या क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? हाइट अगर 2 टाइम होगी तो एनर्जी 4 टाइम, कहाँ मिल गया क्वेश्चन? पूरा क्वेश्चन तो लेके आया करो। और कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूँ भाई? पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी दुगनी तो होगी। आधा अधूरा क्वेश्चन लेके आते हो। हाइट अगर दुगनी कर लोगे तो एनर्जी दुगनी ही तो होगी। एनर्जी कौन सी एनर्जी, पहली बात तो क्लियर कट करो। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है तो दुगनी हो जाएगी, ठीक है? हाँ, तो अलाव उधर भाई। अरे कहाँ तक हो गया था? अरे कुछ तो बोल दो। हाँ समोशन भाई, इन अ वर्टिकल सर्कल। अच्छा उसके क्वेश्चन कर लिया था क्या? अरे उसके क्वेश्चन कर लिए थे मोशन में वर्टिकल सर्कल के। अरे शीट की सर हाँ, शीट के भी कुछ, शीट के भी तो क्वेश्चन होंगे। सर्कुलर मोशन ना? हाँ सर्कुलर मोशन में भाई कहाँ तक हो गया था तुम्हारा, बताओ। सर्कुलर मोशन आपने एक्सप्लेन किए थे, एक्सप्लेन तो कर दिए थे। हमारा मोशन इन वर्टिकल सर्कल चल रहा था, हमने अलग अलग प्रॉब्लम्स करी थी। तुमने 100 एग्जाम्पल नहीं किया होगा, है तुम कलाकार इंसान। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, याद है? आपको क्वेश्चन दिया था एक, ऊपर से छोड़ेंगे ठीक है, ऊपर से छोड़ेंगे उसको तो क्या होगा वहां पर? कुछ नहीं किया होगा आपने, काम धाम मेरे को उम्मीद है। किया कुछ? 100 एग्जाम्पल थे बीच में। अजब इंसान है यार तुम लोग। इस टाइप के क्वेश्चन तुमने कर लिए हैं। हाँ। वो हमने बॉटम में से रूट 4 रियल से फेंक दी थी हमने, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये तो कर लिया था शायद, स्लैकिंग वाला क्वेश्चन कर लिया था। फिर हमारा प्रॉब्लम आता है। मैंने एक प्रॉब्लम होमवर्क दी थी आपको, फिर सर्कुलर टर्निंग्स वाला है। अरे एक्सरसाइज चालू करी कुछ, ये बेज्जती करवाते रह रहे हो अपनी, बताओ फटाफट। ABC सेक्शन हो चुका है क्या? सर डी तक हो गया था। डी हो गया था। ई वाला, ई वाला किया कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं, हटाओ। एक काम करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने दिया था, एक आपका मिसलेनियस में 100 एग्जाम्पल होगा, सिक्स्थ वाला, उसको हम सॉल्व करेंगे। या आगे बढ़ते हैं यार, हटाओ। क्या सॉल्व करेंगे? सर्कुलर टर्निंग पे आ जाते हैं, फिर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पे आ जाते हैं। देखो भाई, ऐसा है, एक तो ने सॉल्व एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया था आपको कि कहां पर जाके कांटेक्ट छोड़ेगा, कर लिया था क्या सॉल्व? हाँ सर, हो गया था, यहां से छोड़ दिया था, रिलीज कर लिया था इसको, जस्ट जाने दिया था, जाने दिया था। कहां पर जाके कांटेक्ट छोड़ेगा, कहां पर? मान लो यहाँ पे कांटेक्ट छोड़ रहा है जस्ट, तो यहां तक तो सर्कुलर पाथ में ही है। यहां तक तो सर्कुलर पाथ में ही है, यहाँ पे कांटेक्ट छोड़ेगा। FBD बनाओगे, MG आया, ये थीटा। नॉर्मल कितना हो गया? नॉर्मल 0 हो गया। अच्छा ये थीटा हो जाएगा, ये स्पीड आ गई होगी, V स्पीड आ गई होगी, यहाँ पर ऑलमोस्ट 0 से छोड़ा हुआ है। तो भाई यहाँ पर अगर हम फोर्सेस के हिसाब से देखें, एम जी का कॉस थीटा ही तो एक, देखो नॉर्मल तो 0 हो जाएगा, तो एम जी का कॉस थीटा माइनस नॉर्मल, ये शुड भी होना चाहिए था MV² बाय R। इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नॉर्मल ऑलमोस्ट 0 है ना, कांटेक्ट छोड़ते ही नॉर्मल 0, तो V² की वैल्यू कितनी आ गई है? V² की वैल्यू आ गई RG cos थीटा। कोई समस्या किसी को? अब ये V² पे कैसे आओगे वर्क एनर्जी लगा लो, यहां से यहां, यहां से यहां,
स्मूथ स्वेल सर यू जीरो नहीं है, क्या दे रखा है सर? 0.5 रूट जीआर नहीं तो? हाँ सर वही है क्या? 0.5 रूट जीआर मतलब 0.5 दे दिया था क्या मैंने? तो ठीक है 0.5 रूट जीआर कुछ नया कर लिया। हाँ 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 मैं चेंज कर लिया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बस इन दोनों में वर्क एनर्जी लगा दो, यहाँ से यहाँ वर्क एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी काम करेगी, नॉर्मल कोई काम करने वाला है नहीं। तो नॉर्मल अगर काम नहीं करेगा तो ऐसे करके आप कर सकते हो प्रॉब्लम को। कितना हो जाएगा भाई? कौन काम कर रहा है? एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। अच्छा कितना काम कर लिया? ये आर कॉस थीटा बन जाएगा, आर का कॉस थीटा। तो इतना पोर्शन क्या बन गया? ये आर माइनस आर कॉस थीटा है, आर माइनस आर कॉस थीटा। ग्रेविटी ने कितना काम कर लिया? एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। चाहे तो यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल लगा दो, वर्क एनर्जी लगा दो। नॉर्मल कोई काम कर लेने सरा डेल्टा के, डेल्टा के मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? एम से एम गया सबसे, को एम 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 उड़ा दो, टू को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आओ, टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा। वी स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? आर जी का कॉस थीटा है माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? ओहो रूट जी आर दे देनी चाहिए थी यार, इसका तो 0.5 में आ जाएगा, 0.25 आर जी जी आर आर की बात एक ही है सब कुछ है ना। अब इसको सबको एक साइड ले आओ, थीटा वाले टर्म्स को एक साइड ले आओ। पहले तो आर जी काटो, आर जी आर जी आर जी। अब थीटा वाला टर्म एक साइड ले आओ, यहाँ कितना हो गया? 2 - 2 कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा माइनस 0.25, तो 3 कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2 + 2 = 2.25। फ्रॉम हेयर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 2.25/3। थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। 25 की टेबल आती होगी आपको, 9/12 3/4 आ गए। कॉस थीटा 3/4 होता तो थीटा कितना होता है? सर्वेश कॉस थीटा 3/4 होता तो थीटा कितना होता है? हेलो सर्वेश, तुम्हारी डिस्टरबेंस बहुत है तुम्हारे माइक में, रहने दो। हाँ भाई 53। शाबाश बहुत बढ़िया। तिवारी जी फटाफट बताइए कितना होता है? 53 होता है। कॉस थीटा 3/4 होता है तो थीटा कितना होता है? हाँ भाई तेजस, तेजस ओ भाई कितना होता है? सर कॉस इनवर्स ऑफ 3/4। कॉस इनवर्स ऑफ 3/4, ये एक्चुअल में कुछ नहीं होता। 3753 वाली कहानी बताई थी, वो 3/5 होता है या 4/5 होता है? तो ट्रिक क्वेश्चन है रूट 3/2। कौन कहां से जीनियस हो रहे हो भाई? अरे इसमें नहीं होता है, कॉस थीटा अगर 3/5 बनता तो मैं बोल देता। 3/5 में अपना कितना हो जाता है? थीटा 53 है ना, तो इसमें कुछ नहीं होता है। वहां पर जल्दीबाजी मत कर लिया करना। माइक बंद करो अपना। अरे आगे बात समझ में, कहां पे कांटेक्ट छोड़े गए? ठीक है, आपकी बुक में जो प्रॉब्लम दे रखी है उसमें जस्ट स्लाइड कर रहा है। आईआईटी में प्रॉब्लम क्या रखी है? देखो आईआईटी में प्रॉब्लम यह रखी है, आप देखना आपके शीर में भी है शायद, वो 2015-15 के बाद की ही है। वो कहता है यहां से मैंने इसको छोड़ दिया है, यहां से उसको रिलीज कर लिया है, ये थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, ऑलमोस्ट रेडियस आर मान लो। वो पूछ रहा है वो कौन सा एंगल है जहां पर, देखो शुरू में क्या होगा, दबाव इस पर आएगा, अंदर वाले पर आएगा दबाव, मतलब इसके थोड़ा सा गैप है,
इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, मतलब डब्बा और ट्यूब, ट्यूब आप बोल सकते हो ब्लॉक जस्ट फिट हो रहा है ट्यूब के अंदर, थोड़ा सा माइनर सा गैप है। तो शुरू में सारा कॉन्टेक्ट इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, बाद में कुछ समय के बाद वो बाहर वाले पर आने लग जाएगा कॉन्टेक्ट, आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहाँ से रिलीज करूंगा ट्यूब के अंदर तो बाद में बाहर वाली दीवार के साथ कॉन्टेक्ट मान लग जाएगा, ये फील होता है क्या? यस सर। ये कहानी और ये कहानी सेम है कि नहीं, एक तरीके से देखा जाए? कहां पर आके इस यू को जीरो बना देना, यहां से रिलीज कर रखा है तो कुछ कौन से एंगल पर जाके वो अपना कॉन्टेक्ट चेंज करेगा, अंदर वाले सरफेस के जगह बाहर वाले सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट बनाना चालू कर लेगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। उसके बाद ये बाहर वाले के साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा, बाहर वाले के साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा, एक फिर से सिमेट्री है, इसी एंगल पर जब यहाँ पहुंचेगा फिर अंदर वाले के साथ कॉन्टेक्ट बनाना चालू कर लेगा। अरे भाई आई समझ में बात? ये आईटी में क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। अरे समझे कि नहीं समझे? समझे सर। बहुत बढ़िया। तो क्या है कि भाई मैकेनिक से प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम कुछ कुछ सिखाती है, उसको अप्लाई करना, क्यों चीज क्या कर रखी है, कैसे कर रखी है, कॉन्टेक्ट छोड़ना, ये सब कहानियां, कभी टेंशन जीरो करनी पड़ती है, कभी नॉर्मल जीरो करना पड़ता है, तो ये सब चीजें हैं। करें इसको, बता दूं, लिख लिया है? एक मिनट सर। लिखो लिखो फटाफट लिखो। चलो इसके बाद हम आ जाएंगे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पढ़ लेंगे हम फटाफट से। सर आई एम अ न्यू स्टूडेंट फ्रॉम व्हेन वेयर यू आर टीचिंग, आई वांट टू नो वेयर यू आर टीचिंग, मतलब कहां फ्रॉम व्हिच बुक। मैं किसी बुक से नहीं पढ़ाता यार। Then, ये वैसे sir, आपका रेजिनेंस का मटेरियल है। ओके। बस उसी का चलता है। ओके सर, सो आई हैव टू कलेक्ट इट फ्रॉम द सेंटर। या। ओके सर। और दूसरी बात, मेरी क्लास में अंग्रेजी नहीं चलती है। ओके सर। देसी चलती है। हिंदी। चलो देखो। ओके सर। आई हैव कंप्लीटेड। हिंदी समझ में आती है? और शैल आई स्विच ओवर टू इंग्लिश? हाँ सर आती है। हाँ तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पाप करा देते यार अंग्रेजी बुलवा के तुम लोग। बढ़ाओ इसको, हो गया ना? चल देखो अगला कॉन्सेप्ट लिख लो आप सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का। ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये मुसीबत होती है। कौन सी मुसीबत है? सूडो फोर्स होता है जैसे, वैसे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की कहानी है। हाँ, आ जाओ भाई सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पर। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स फिर से, पहले तो ये इमेजिनरी फोर्स है एक तरीके से, जैसे आपका सूडो फोर्स काम करता है। अगर अच्छा सूडो फोर्स कब लगाते हो? हाँ भाई कुछ बताया था, सूडो फोर्स कब लगाते हो आप? सूडो फोर्स कब लगाते हो? एक्सेलरेटिंग फ्लेम से देखते हैं। एक्सेलरेटिंग फ्लेम से देख लो, वहां क्या होता था? लीनियर एक्सेलरेशन होता था, ट्रांसलेशन में था। यहां पर क्या है? सर्कल में है। अब कार ऐसे करके टर्न मार रही है, ठीक है, कार के अंदर पड़ा हुआ है एक पेंडुलम, ठीक, कार ऐसे जब सर्कुलर टर्न में कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो उस पर हमेशा एक एक्सेलरेशन तो रहेगा, सर्कुलर टर्न में है तो सेंटर की ओर को तो एक्सेलरेशन है ही है। तो अगर कार में बैठ के पेंडुलम को देखोगे तो पेंडुलम ऐसे टेढ़ा हो रहा होगा, अगर टर्न ऐसे पड़ेगा तो ये टेढ़ा ऐसे होगा, समझ में आई बात? अगर टर्न ऐसे जा रहा है तो ये बाहर को जाएगा, होता ही है। आप टर्न में कार बाइक में छोड़ो, बस वस में देखा होगा, बस में देख लो आप और कार में देख लो, अगर शार्प टर्न मार के तो आप इधर को जाते हो बाहर को, वो तो क्यों जा रहे हो? एक्चुअल में टेढ़ा नहीं यार, वो इनर्शिया की बातें करते थे शुरू में हम, याद है? कुछ नहीं आता समझ में, हाँ इनर्शिया इनर्शिया वो सब चिल्लाते थे, वो इनर्शिया तो ठीक है, अब वो कार के अंदर बैठ के देखो क्या हो रहा है। जब कार के अंदर बैठ के देखोगे, कार तो एक्सेलरेट मोशन में है,
कार का तो एक एक्सलेशन है, भले ही वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो टेंजेंशियल एक्सलेशन नहीं होगा उस पर, लेकिन क्योंकि टर्न में है तो सेंट्रीपिटल सेंटर की ओर को तो होगा ही, सेंटर की ओर को तो एक्सलेशन रहने वाला है उसका वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल। अब उस कार के अंदर बैठ के देख रहे हो, ऑब्जर्व करो, कार के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या करना पड़ेगा, जितना एम ए जितना इसका एक्सलेशन है कार का, कार एक्सलेटेड मोशन में उतना ही सूडो फोर्स लगता था, याद है आपको, उतना ही अंदर का जो भी चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कार के अंदर उस पर बाहर को लगा दो, सेंटर से अवे लगा दो, अगर कार के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना है तो वो ही आपका सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कहलाता है। सिंपल सादी भाषा में वो हो जाता है आपकी, आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके हिसाब से वो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है आपका, ठीक है ना। अरे कुछ समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है। इमेजिनरी फोर्स अप्लाइड व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर डन फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग और फ्रेम दैट इज इन सर्कुलर मोशन फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम। इट एक्ट्स इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन एंड is equal to mass of is equal to product of mass of body and acceleration of rotating frame and acceleration of rotating frame, ये हो जाता है आपका, ठीक है, product of mass of body and acceleration of rotating frame। होता कैसे है, कैसे करके इसको apply करेंगे हम? Example, acceleration कौन सा acceleration? Acceleration के बगल में लिख लेना AC, rotating frame पर क्या है? सिर्फ AC, तो कितना हो जाएगा? यानी बेसिकली एफ ये हो जाता है एम इंटू, आप चाहे तो ओमेगा स्क्वायर आर लिख लो, ये हो गई बात है। अप्लाई कैसे करना है देखो जरा इसको, तो फॉर एग्जांपल आपका ये टेबल था, हमने कर रखी है वाली प्रॉब्लम्स, टेबल है उसी प्रॉब्लम को करते हैं हम, हो गया। इसके ऊपर ये है एम मास का डब्बा है, ये आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, इसकी स्पीड दे रखी है वी, इसकी स्पीड दे रखी है, इसको आप चाहे तो एम वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो। देखो अगर इसका एफडी बनाते हो, डायग्राम समझ में आ गया? अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे, तो क्या बोलोगे आप? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो एक आपका सेंटर की ओर को आ रहा है, कौन? टेंशन आएगी, एक गया ऊपर को नॉर्मल, एक गया नीचे को एम जी, ठीक है, अपर डायरेक्शन में नॉर्मल, नीचे की डायरेक्शन में एम जी, रस्सी में खिंचाव आएगा, टेंशन आएगी सेंटर की ओर को। आप बोलोगे भैया एन माइनस एम जी इज इक्वल टू तो जीरो, इस डायरेक्शन में तो कुछ नहीं हो रहा है, और टेंशन के लिए क्या बोलोगे? नेट सेंटर की ओर को फोर्स कितना बच गया? नेट सेंटर की ओर को फोर्स, ये टेंशन है, और ये किसके बराबर होती है? v दे रखा है तो v स्क्वायर बाय r कर लो, v स्क्वायर बाय r कर लो, अगर ओमेगा दिया होता तो m ओमेगा स्क्वायर r कर लेते, तो ये कहानी हो गई। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स बोलोगे अगर आप, विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, यही बॉक्स, बॉक्स के रिस्पेक्ट में ही आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो बॉक्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो बॉक्स तो अपने आपको तो रुका हुआ ही बोलेगा। अब मैं चल रहा होता हूँ, मैं चल रहा होता हूँ, ये थोड़ा ना बोलता हूँ मेरा हाथ अलग से चल रहा है, मेरे स्पेक्ट में तो हाथ रुका ही हुआ है,
अब मेरे रिस्पेक्ट में हाथ रुका हुआ है, मतलब उस पर नेट 4.0 है, तो टेंशन वेंशन तो सब गायब हो जाएगी। तो उसकी करेक्ट रीडिंग करने के लिए जैसे हमने वहां पर सूडो फोर्स का काम किया था, वही चीज हमें यहाँ करनी है। विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स बोलोगे तो क्या दिक्कत आएगी, बॉक्स फोड़ना बोलेगा भाई मेरे पास, बॉक्स बोलेगा एन एम जी, टेंशन भी लग रही है बस, वो थोड़ा ना बोलेगा मैं सर्कुलर मोशन में हूं, आई बात समझ में, वो थोड़ा ना बोलेगा वो सर्कुलर मोशन में है। अगर बॉक्स पर खड़े होकर देखोगे विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, मतलब वहीं पर खड़े होकर बॉक्स के ऊपर खड़े होकर बॉक्स को देखोगे आप, तो बॉक्स तो रेस्ट में दिखाई देगा, समझे कि नहीं समझे। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आपको करेक्ट करने के लिए इसको बाहर को लगाना पड़ेगा एम, जितने से ये एक्सलेट कर रहा था इसका सेंटर की ओर को जो एक्सलेशन था उतना ही फोर्स बाहर को लगा दूंगा, ये हो गया आपका, क्योंकि यहां पर वी और आर दे रखा है तो एम वी स्क्वायर बाय आर। अरे समझ में आई बातें, तो यहां से अब बोलेगा ये एन माइनस एम जी जीरो और टी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जीरो, ये ऐसे बोलेगा ये ऐसे बोलेगा, आंसर सेम ही आता है। तो अगर इसके फ्रेम से ऑब्जर्व करोगे, एक ऐसे फ्रेम से देख लो, एसी में बैठ के देख लो, इस डब्बे पे बैठ के देखोगे डब्बा तो रुक गया है आपका, आप खुद के रिस्पेक्ट में बोलते हो तो, है ना, जैसे मैं ये देखता हूँ अपने रिस्पेक्ट में, अपने को देखूंगा ये सब रुका हुआ ही तो है, मैं चलते हुए भी जा रहा हूँ लेकिन मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हर एक पार्ट मूवमेंट पे है, लेकिन अपने रिस्पेक्ट में अपनी नाक देखूंगा कान देखूंगा ये तो सब रुके हुए हैं, समझे कि नहीं समझे। ऐसा थोड़ा ना मैं 5 से जा रहा हूँ, ये नाक 7 से जा रही है, साथ ही चल रहे हैं तो मेरे रिस्पेक्ट में तो रुका हो गया, ठीक है ना। तो अगर बॉक्स के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बॉक्स रुका हुआ है, तो ये हो जाएगा। और इसका और अच्छा एग्जांपल अभी दे देता हूँ आपको, ये वाला फोर्स जो है यही सेंट्रीफ्यूगल है, जैसे वहां पर सूडो फोर्स काम करता है वैसे ही कुछ यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल का ही है, बिल्कुल सिमिलर चल रहा है, ठीक है। आपके लिए यही है आपका काम था, इसको बाकी डिटेलिंग में और कर सकते हैं हम, पहले इतना लिख लो। लिख लिया क्या भाई, एक मिनट। एटी हुआ तो फिर पीछे को लगाना पड़ेगा एमएटी, वो एमएटी लेकिन सेंट्रीफ्यूगल में काउंट नहीं होता, सिर्फ सर्कुलर सर्कल के कारण जो एक्स्ट्रा फोर्स वो नॉर्मल सूडो फोर्स में काउंट हो जाएगा, ठीक है ना, वो नॉर्मल सूडो फोर्स में काउंट हो जाएगा।
डन सर। हो गया भाई? हाँ सर। ठीक है। देखो एक और एग्जांपल। हाँ 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 एक और एग्जांपल कैसे लिया जाए, यह है आपका रॉड है, एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये एक रस्सी अटैच्ड है, इसके साथ यहां पर एक मास अटैच्ड है, एंगल थीटा दे रखा है, लंबा पड़ जाएगा प्रॉब्लम। ये आपको दे रखा है L, इसको मान लो आप L, क्या मान लो, इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो। सिचुएशन समझ में आई कैसी है, इसको विजुलाइज कर पा रहे हो? जब रॉड घूमेगी इसके साथ स्ट्रिंग भी अटैच है, वो हमेशा एक एंगल लेके घूम रही है। द स्ट्रिंग मेक्स, द स्ट्रिंग मेक्स द कॉन्स्टेंट एंगल थीटा विथ वर्टिकल, वर्टिकल फाइंड टेंशन इन रोप, फाइंड टेंशन इन रोप एंड थीटा, कोई ऐसे करके आएगा। अब शायद इसमें ना निकल पाए, इन कॉन्सेप्ट समझ लो। अब इसके साथ यहां पर एक रस्सी अटैच है, उसके साथ मास अटैच है, ये लगातार घूम रहा है, तो वो भी साथ में ऐसे करके घूमते जा रही होगी, ठीक है ना? एक चीजें विजुलाइज हो गई, इसके लिए क्या होगा, ये ऐसे करके कोई सर्कल में घूम रही होगी, ऐसे करके कोई सर्कल में घूम रहा होगा, क्लियर है इतना? हाँ सर। हाँ सर। इस पर अगर हम एफबीडी बनाने पाए, एक तो लगेगा एमजी, एक आएगी टेंशन, ऐसे करके ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू रॉड बोल रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू रॉड, या फिर यही मास बोल दो, और मास बोल दो, मास एम, उसके रिस्पेक्ट पर अगर बात करना चाहते हो आप, तो उसके हिसाब से तो रोटेटिंग फ्रेम में है ही नहीं हो, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से करोगे तो आपको एम ओमेगा स्क्वायर आर बाहर को लगाना ही पड़ेगा। यहां बनेगा टी का कॉस थीटा, यहां बनेगा टी का साइन थीटा, टी का साइन थीटा, आर आपको पता है, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा एल वन प्लस एल टू का साइन थीटा। तो क्या इक्वेशन लिखोगे आप? आप कहोगे यार ऐसे करके घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में होगा इसका मोशन, ऐसे करके वर्टिकल में बोलोगे तो टी का कॉस थीटा माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, हॉरिजॉन्टल में बोलोगे टी का साइन थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। भाई इतने पर छोड़ दो, ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाई थी, क्योंकि इसमें थीटा वीटा निकालना थोड़ा दिक्कत कर सकता है आपको। कर लेगा क्या? नहीं करेगा, कर भी सकता है, सॉल्व कर लोगे इसको, यहाँ पुट करना, यहाँ से टी को यहाँ पुट करना, थीटा के लिए सॉल्व करोगे, थीटा में कॉम्प्लिकेट बन जाएगी, यहाँ साइन थीटा बन रहा होगा, यहाँ टेन थीटा बन रहा होगा, अजीब सी इक्वेशन बन जाएगी। तो आप तो कॉन्सेप्ट देख लो, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलता, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलता, तो मैं क्या इक्वेशन फॉर्म करता, मैं इक्वेशन फॉर्म करता भाई टी का कॉस थीटा, तो मेरे पास ये होती बस एम जी होता, यहाँ टी कॉस थीटा होता और यहाँ टी साइन थीटा होता,
बस सिर्फ इतने फोर्सेस होते, तो टी कॉस थीटा माइनस एम जी तो जीरो बोलता, लेकिन इसको बोलता मैं नेट सेंट्रल की को फोर्स ग्राउंड फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से सर्कल में घूम रहा है, इनटू आर हो जाता। अरे पता चल गया कब लगाना है, कहाँ लगाना है। किसको दिक्कत है तो लिख ले भाई चैट बॉक्स में आराम से, बता दो किसको दोबारा समझाना है अभी, और अभी बैंकिंग ऑफ रोड करेंगे। हाँ आंसर तो सेम ही आएगा, डिपेंड कर रहा है आप किसके फ्रेम से लिख रहे हो इक्वेशन, आंसर तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, आंसर सेम रहेगा आपका, बस डिपेंड करेगा किसके फ्रेम से लिख रहे हो। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से दिखते हो तो ये एम ओमेगा स्क्वायर आर या सूडो फोर्स लगाने से तो ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते थे प्रॉब्लमों को, और एक्सेलरेटेड फ्रेम से भी करते हो आप, एक्सेलरेटेड फ्रेम से कभी कभी ऑब्जर्व करना आसान पड़ जाता है, तो बस एक सूडो फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, ठीक है। इसमें ये एज अ एक्सेलरेशन आ रहा है, इसमें ये एज अ फोर्स आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आर, इधर आके एज अ फोर्स आ रहा है आपका, अरे मान लो यहाँ पे एक केज है, केज के अंदर आप बंद हो तो केज के रिस्पेक्ट में क्या लगाओगे, ये केज थी मान लो, केज के अंदर आप बंद हो, आपका मास है m, तो आपकी कहानी है। अब केज के रिस्पेक्ट में बोलोगे, केज के रिस्पेक्ट में तो रुके हुए हो ना, केज केज के साथ ही तो चल रहे हो, तो केज के रिस्पेक्ट में तो रुके हुए हो, तो उसमें आप ये लगाओगे केज के रिस्पेक्ट में, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में बोलोगे, ग्राउंड फ्रेम में आप सर्कुलर मोशन में चल रहे हो, तो ग्राउंड फ्रेम में ऐसे लिखनी चाहिए इक्वेशन। अरे आगे बात समझ में। हाँ सर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज पर नेसेसिटी नहीं होती, जैसे सूडो फोर्स भी नेसेसिटी नहीं है, आप ग्राउंड फ्रेम से कर सकते हो प्रॉब्लम को सारी, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम में क्या होता है कि उसके फ्रेम से ऑब्जर्व करना आसान बन जाता है, लिख लोगे तो बता देना भाई, फिर हम आएंगे बैंकिंग ऑफ रोड पर। सर सर इसमें हम लोग एम वी स्क्वायर बाय आर भी लगा सकते हैं। अब वी दिया होगा तो देखो इसमें ओमेगा देगा ना वो जनरली, या तो इसका वी दे दे तो बढ़िया है ना, ओमेगा दिया होगा तो हम अपने आप ही वी निकाल लेंगे ना, v स्क्वायर बाय r और ओमेगा स्क्वायर r एक ही चीज पे तो आ जाते हैं बातें। कह रहा हूं अगर चीजें पकड़ में आ रही हैं आपको, आप लेवल क्यों नहीं बढ़ा रहे हो भाई, एक्सरसाइज वन तक क्यों रह रहे हो, सबके लिए कह रहा हूं ये, टू में जाओ ना अंदर को, उसमें टू में लेके आओ डाउट आउट। वो ऐप करनी है वो ऐप कर लो, बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं आज ही मैंने मंगाई थी, ये भी सही आ रखी है आपको, अगर ऐप ऐप में मोबाइल से डिस्टरबेंस होता है कि व्हाट्सएप में मैसेज आते रहते हैं डिस्टरबेंस होता है, ये वाली है देखना, ये आपको तीनों सब्जेक्ट में मिल जाएगी, जो खाली मेंस की है, लेकिन ये दिशा पब्लिकेशन ने पब्लिश कर रखी है, दिशा वालों ने पब्लिश कर रखी है, इन्होंने दे रखे हैं 2012 से लेकर 2020 तक के ऑनलाइन पेपर्स हैं, और ऑफलाइन तो है ही खैर, लेकिन खाली मेंस के हैं इसमें, तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए तो ये सबसे बढ़िया रखती है मेरे को, किसी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है तो सही बुक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने मोशन इन अ प्लेन,
चलो देखो हेडिंग डालो बैंकिंग ऑफ रोड, हेडिंग डालो बैंकिंग ऑफ रोड, डाउट के नाम पर एक मैंने कहा डाउट भेजना, एक जना डाउट नहीं भेजते थे। वर्क एनर्जी कंप्लीट हो गई तुम्हारी है, न्यूटन लॉ ऑफ फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, सर्कुलर मोशन, एटलीस्ट एक्सरसाइज वन तो कर लेना, इतनी बेइज्जती मत करा देना ठीक है अपनी। देखो अगला आता है बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड से पहले हम एक एक काम करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है, होती है हॉरिजॉन्टल रोड, सर्कुलर टर्न आता है, पहाड़ों में आना, उत्तराखंड आना, कभी यहाँ नैनीताल वहां भी जाना आपने, क्या है वो माथेरान साइड चले जाना, और क्या है तुम्हारा वो पुणे जाते टाइम क्या पड़ता है लोनावला, लोनावला फिर भी मिलता होगा आपको, यानी पहाड़ वाले साइड है, आपने देखा होगा आउटर एज को उठा देते हैं, जो बाहर का जहाँ की साइड खाई होती है, वैली होती है जहाँ पर, उधर की साइड को उठा देते हैं थोड़ा सा। तो रेजिंग ऑफ आउटर एंड ऑफ रोड, रेजिंग ऑफ बैंकिंग का क्या मतलब होता है, बैंकिंग ऑफ रोड का ये होता है रेजिंग ऑफ आउटर एंड ऑफ रोड, रेजिंग ऑफ आउटर एंड ऑफ रोड ये हो जाता है ठीक है। तो इससे पहले तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कि नॉर्मल टर्न है पहला है सर्कुलर हॉरिजॉन्टल टर्न, हॉरिजॉन्टल टर्न, हॉरिजॉन्टल टर्न विदाउट बैंकिंग, विदाउट बैंकिंग फाइंड मैक्सिमम स्पीड, फाइंड मैक्सिमम स्पीड, हर एक केस में ये कर लें आपको, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल टर्न है इसमें विदाउट बैंकिंग ऑफ रोड, एक हॉरिजॉन्टल टर्न है तो इसमें अगर गाड़ी को टर्न मारना, ये प्रॉब्लम हम कर भी चुके हैं ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है गाड़ी, स्पीड आपकी ये है, यहाँ कहीं रेडियस होगा, बताओ भाई इसमें कितनी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, फटाफट बताओ, सॉल्व करो इसको, अंडर रूट म्यू आर जी, अंडर रूट म्यू आर जी, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है तो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है तो क्या क्या लग जाएगा, अंदर को कौन प्रोवाइड करेगा, इसमें अंदर को फ्रिक्शन लगेगा, कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है, हमने डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, ये फ्रिक्शन हो जाएगा जो एम वी स्क्वायर बाय आर देगा, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, विच इज बेसिकली इक्वल टू नॉर्मल, नॉर्मल बाहर एम जी अंदर, बैलेंस रहेंगे तो म्यू एम जी, तो वी की वैल्यू आ गई लेस देन म्यू आर जी का रूट। तो आपने देखा होगा जो पहाड़ों में टर्न होते हैं, पहाड़ों में देखो जो एक्सप्रेस वे बने होते हैं, हाईवे बने होते हैं, पहले तो चाहते हैं कि अवॉइड हो जाए, टर्न्स मिले ही ना, ऐसा पाथ को सिलेक्ट करते हैं एनएचआई, जो आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड, और ये एनएचआई, एनएचआई डील करती है इसको, तो वो चाहती है कि आपको ऐसी लैंड मिले, वो होता ना गाँव से जा रहा है हाईवे, यहाँ से होते हुए निकल रहा है, तो वो ऐसा पाथ चूज करेगी जहां पर कम से कम बैंड मिले, वो दो सिटी को कनेक्ट करना है, और रास्ता ऐसा चूज करेगी बैंड कम से कम मिले, लेकिन कभी मजबूरी हो जाती है, किसी केस में क्या होता है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आ जाती है, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मिल जाते हैं, अब जैसे मान लो इधर से जाना है आगरा से दिल्ली कनेक्ट करना, रास्ते में ताजमहल आ गया, उसको थोड़ा उड़ा दोगे ठीक है ना, वहां मजबूरी हो गया टर्न तो मारना पड़ेगा, दंगे हो जाएंगे नहीं तो, है तो राम मंदिर आ गया फिर दंगे हो जाएंगे, ऐसे हो जाता है, तो क्या होता है कोशिश करते हैं वो स्ट्रेट जाए, लेकिन फिर भी अगर टर्न आता भी है एक्सप्रेस जो अच्छी रोड्स होती हैं उसमें आपने टर्न देखा होगा बड़ा लंबा टर्न आता है, शार्प टर्न नहीं मिलेगा आपको, लंबा टर्न मिलेगा, लंबा टर्न क्यों मिलेगा, जितना ज्यादा आप म्यू आर कर पाओगे, क्योंकि म्यू तो जनरली किस किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके टायर और रोड की प्रॉपर्टी का, वो तो एक लेवल तक म्यू को रख सकते हो आप, बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उसमें भी खाली सरकार का हाथ नहीं है, सरकार का हाथ है रोड बनाने में, तो उसके बाद बारिश हो गई फ्रिक्शन विक्शन कम हो जाएगा, टायर घिसा हुआ है फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो म्यू पर अपने हाथ में ज्यादा कंट्रोल रहता नहीं है, हम क्या करते हैं आर बढ़ा देते हैं, आर बढ़ा दोगे तो लिमिट आपकी बढ़ गई स्पीड की, क्योंकि
हाई जो अच्छे हाईवे होते हैं वहां पर हम चाहते हैं कि हमारा स्पीड से कंपनसेशन स्पीड को हम मतलब ज्यादा वैल्यू देके चलते हैं कि इम्पोर्टेंट लोग जा रहे हैं यहाँ से ये स्पीड मैटर करती है। पहाड़ों में क्या होता है मजबूरी है, अब पहाड़ है भाई कितना लंबा कट मारेगा वहां पर इंसान, वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता और पहाड़ में ऐसी कौन सी देश के लिए इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है खतरनाक सी, तो वहां पर शार्प टर्न मिलते हैं तो वहां पर आप कम स्पीड से टर्न मार दो। आगे बात समझ में, तो पहली सिचुएशन तो ये है। दूसरी सिचुएशन है सर्कुलर टर्न। सर अगर पहाड़ पे जोर से टर्न मारेंगे तो फास्ट में, एक बार करके देख लेना पता चल जाएगा, एक बार करके ही देख लेना पहाड़ों में टर्न मार के देख लेना। सर म्यू क्या होता है? म्यू कोफिश, ये क्या नाम है तुम्हारा? आशीष। हाँ तो ये म्यू यार, अब ये तो ये वहां से पढ़ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है सर्कुलर टर्न विद बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन। अरे अभी तक कहाँ पढ़ते थे तुम? हैं? सर ज्वाइन नहीं किया था। तो सेल्फ स्टडी चल रही थी? नहीं सर, गांव में फंस गया था। और कोरोना तो कब का निकल गया? हैं? यस सर। कहाँ गांव में फंस गए थे? सर झारखंड में। अरे झारखंड में तो वो भी है माओवादियों के लगा। ना है ना? हैं? नेक्सलाइड एरिया है वहाँ झारखंड में। हाँ सर। गैंग्स ऑफ वसेपुर भी वहीं बनी थी ना, तुम भी थे क्या उसमें? नहीं सर, सब फंस गए थे हम लोग, तो अभी मैं ज्वाइन किया। अच्छा, अब एक काम करना, ज्वाइन कर लियो। कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें वो एक मैसेज इंपल्स करके उसमें से पढ़ लेना थोड़ा सा पुराना ना, बीच में से पकड़ में नहीं आएगा। मैसेज इंपल्स करके एक चैनल है, उसमें वीडियोस अपलोडेड हैं जितने लेक्चर हो रखे हैं, देख लेना। मैसेज इंपल्स, मैसन मैसन MESON, यूट्यूब पर सर्च मार लेना। हाँ लिंक भेज देना, लिंक भेज देना भाई बालक को। ओके सर। अरे है न्यू ज्वाइन कर रखे सर्वेश भाई, नए ज्वाइन कर रखा है भाई बालक ने। चलो देखो सर्कुलर टर्न विद बैंकिंग, बैंकिंग में क्या होगा, ये आउटर एंड उठा दिया। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ देखो, मैं आउटर एंड, मैं खाली रोड का सेक्शन बना रहा हूँ, मैं रोड का सेक्शन बना रहा हूँ खाली, सिर्फ ये वाला सेक्शन, ये रोड को मैंने कट कर दिया ऐसे करके, तो गाड़ी ऐसे करके है, हैं? गाड़ी ऐसे करके है, क्या रहेगा? एक रहेगा MG, कोई दिक्कत? एक रहेगा नॉर्मल। अब ये बताओ कार के रिस्पेक्ट में बनाना चाहते हो कि ग्राउंड फ्रेम से करना चाहते हो? दो चीजें हैं। ग्राउंड से करते, ग्राउंड से ही कर रहे हो, तो फिर अब इसमें अच्छा सा सर्कल कहाँ होगा? इसका सेंटर यहाँ नहीं होगा, ये ऐसे करके टर्न मार रहा है, इसका सेंटर ये ऐसे होगा, इधर इधर कहीं आएगा इसका सेंटर। ये आपने उसमें देखा होगा वो साइकिलों की रेस होती है, साइकिल की रेस स्टेडियम में होती है, लास्ट में जो ट्रैक होता है वो ऐसे करके होता है, लेकिन उस साइकिल के लिए सेंटर नीचे थोड़ा ना होगा, सेंटर तो सामने होगा ना ग्राउंड का, गोल ग्राउंड जो होता है। इतना समझ में आया क्या? हाँ सर। ये रोड का सेक्शन है, रोड को काट करके देख रखा मैंने, ये सेक्शन ऑफ रोड है, सेक्शन मतलब कट कर रखा है इसमें आपने, रोड को काट कर देखा है तो ऐसे करके दिखाई दे रहा है आपको, इतने से उठा हुआ है थीटा एंगल पर, ये एंड गया विद बैंकिंग। पहले तो हेडिंग डाल लो यार, इसमें लिख लो इसकी हेडिंग वेडिंग लिख लो, क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ेगा ऊपर लिखा हुआ कुछ कुछ, लिख लो पहले इतना लिख लो। अब फ्रिक्शन नहीं है, एक काम करो स्पीड निकाल लो, इस केस में स्पीड निकाल लो, जिसको आता है वो स्पीड निकाल ले भाई। बोकारो, बोकारो झारखंड में ही है क्या? यस सर। डीपीएस बोकारो है वहाँ सबसे तगड़ा स्कूल, तो वहाँ काफी बच्चे हैं। सर यहाँ पे मैं फर्स्ट से पढ़ रहा हूँ। कहाँ से? यहाँ मुंबई से, सर जे स्कूल से।
अरे नहीं वहाँ झारखंड का पता है, वहाँ डीपीएस बोकारो एक है ना स्कूल, हाँ सर वहाँ गया था कभी मैं पढ़ाने, ऐसा गेस्ट अच्छा फैकल्टी एक हफ्ते के लिए। अच्छा सही है, वो भी काफी बड़ा स्कूल है। सर फ्रिक्शन के बिना तो √RG tan थीटा है। हाँ बाकी लोग भी निकालो भाई, इसको कॉन्सेप्ट पता है सर्कुलर मोशन का, कुछ है थोड़ा ना, कुछ नया नहीं सीख रहे हो, सर्कल में है वैलेंस वैलेंस करो निकालो भाई स्पीड, एक ही पर्टिकुलर स्पीड आएगी, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, और जिसका वो ये आ जाता है वो फ्रिक्शन लगा के देखो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड आती है दो। अरे इंसान ढीला पड़ेगा तो नीचे को भी गिरने लग जाएगा, अगर कम स्पीड से चलेगा ना तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी नीचे को होगी, उधर को फ्रिक्शन लग जाएगा बाद में जब फ्रिक्शन वाला केस करोगे, ज्यादा तेज भागोगे तो बाहर निकलना चाहोगे, फ्रिक्शन अंदर को लगेगा, पहले तो इसको सॉल्व करो फटाफट। चलो देखो विद बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन वाला है, बना रहा हूं मैं इसमें। देखो जनरली हमने अभी तक न्यूटन लॉ की प्रॉब्लम में एमजी को रिजोल्व कर रखा था, लेकिन इस बार क्या है, ये सर्कल है, हम क्या करते हैं सर्कल के लॉन्ग और सर्कल के परपेंडिकुलर रिजोल्व करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक यस सर है, तो ये एंगल का थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, बना लेना ज्योमेट्री, ठीक है, यह बना आपका एन का कॉस थीटा, कैसे बनाते हैं, इन दो लाइन के बीच में थीटा है, इसके परपेंडिकुलर ये गया, इसके परपेंडिकुलर ये गया, एन का कॉस थीटा इधर आया, एन का साइन थीटा इधर को आ गया, बताओ एन का साइन थीटा, इस केस में तो चीजें सही है, एन का कॉस थीटा माइनस एन सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो यानी एन कॉस थीटा कितना आ गया एन सी, एक इक्वेशन, एन का जो साइन थीटा होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, यहां से टेन थीटा कितना आ जाएगा टेन थीटा, अरे नहीं, ये हो जाएगा, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से वी की वैल्यू √RG tan थीटा। अब ये हो गई फिक्स वैल्यू, अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होगा ये वैल्यू कुछ आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ होता है क्रैक का, टेन थीटा कुछ उठाया आपने, ये वैल्यू फिक्स है, अब इस स्पीड से जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गई ना स्पीड, अगर स्पीड ज्यादा हो गई, देखो अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेके करता ना ज्यादा आसान समझ में आता आपको, चलो अब यहां से देखो, यहां से कैसे समझोगे, ये स्पीड आ गई मान लो 70 किलोमीटर पर आवर, मान लो लेट से 50 आ गई, चलो 50 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूं, देखो थीटा वीटा तो फिक्स है, जी फिक्स है, स्पीड बढ़ाऊंगा तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाना चाहेगा, इससे ज्यादा स्पीड आएगी, देखो जी और आर फिक्स है, वी बढ़ेगा तो आर को बढ़ाना पड़ेगा आपको, मजबूरी है, तो वो व्हीकल बाहर को जाना चाहेगा ताकि रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका बढ़ के आ जाए, ठीक है, अब यहां से फिर एनालिसिस करना पड़ेगा, वहां से आपको अगर मैं इसके फ्रेम में बैठता ना तो मैं इसको सूडो फोर्स लगाता है एमवी स्क्वायर बाय आर, तो उसका एक कंपोनेंट ऊपर को आता तो स्पीड बढ़ेगी, तो आप सीधे समझ जाओगे कि वो बाहर को जाना चाह रहा है इसके चक्कर में, तो फिलहाल तो ये समझ में आ रहा होगा यहां से कि अगर स्पीड बढ़ाता हूं तो आर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि थीटा और जी तो फिक्स है तो बाहर को निकलने की टेंडेंसी होती है, अच्छा अगर स्पीड कम करूंगा तो आर कम करना पड़ेगा, नीचे को स्लाइड करने की टेंडेंसी है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, बचाव पे कौन आता है, आप ये थोड़ा ना कर लो कि 50 किलोमीटर पर आवर से टर्न मारोगे, एक्सलेटर पर आप पे इतना थोड़ा ना कंट्रोल होता है, तो कल के दिन में आता है फ्रिक्शन, ये वाला लिखिया होगा मेरे ख्याल से, उम्मीद है ऊपर वाला, ऊपर वाला लिखिया, हाँ सर जिसने नहीं लिखा फटाफट स्क्रीनशॉट खींचो भाई, ऊपर वाले को मिटा रहा हूं मैं, हाँ कुछ बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे, सर्कुलर टर्म विथ इसके आगे क्या है, विद विद बैंकिंग ब्रैकेट में लिख लेना विदाउट फ्रिक्शन,
फिर से तीसरे वाले में विद फ्रिक्शन सर्कुलर टर्न विद बैंकिंग सर्कुलर टर्न विद बैंकिंग बैंकिंग में विद फ्रिक्शन क्या करवाना चाहते हो? इसके अंदर एक केस हो जाएगा जब आप स्पीड को बढ़ा दे रहे हो अंडर रूट आर जी टेन थीटा से, ये वो स्पीड है जिस कभी आपने गौर जो इंजीनियर डिजाइन करता है ना कोई भी उसको वो इसके लिए डिजाइन करता है हॉरिजॉन्टल कर्व इस स्पीड के लिए डिजाइन करता है वो कि भैया हम ये स्पीड को लेकर चलते हैं इसके लिए रेडियस रेडियस निकल जाता है थीटा वीटा वो देखो शुरू में तो रोड डिजाइन कर रहा है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है वो थीटा को भी वेरी करा सकता है तो एडजस्ट करके एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए हम मान के चलते हैं इतने स्पीड से चलना चाहिए इस व्हीकल को। वहां पर क्या होती है आर पर आप ज्यादा नहीं खेल सकते पहाड़ों में तो आर पर लिमिट ज्यादा आ जाने लग जाती है। थीटा पर तो ज्यूरिंग कंस्ट्रक्शन थीटा पर कोई लिमिट नहीं है, थीटा आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो ज्यादा भी नहीं कर सकते हो तो ये हो जाता है। तो जब वी की वैल्यू आर जी टेन थीटा से ज्यादा होगी तो मेरे ख्याल से इसमें क्या हो जाएगा आ जाते हैं इसी के फ्रेम में बैठ जाए क्या नॉर्मल ऐसे आएगा एम जी ऐसे गया। अगर स्पीड ज्यादा है तो इसकी टेंडेंसी होगी बाहर जाने की इसके फ्रेम में बैठ इसको भी यार इसके फ्रेम में बैठ के कर लेते ज्यादा सही था। चलो इसको देख लेते हैं यहां को लग जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर कोई दिक्कत इसमें ठीक है। अब क्या करो अब तो इसके फ्रेम में बैठ गए अब आपकी मर्जी आप कैसे भी रिजोल्व कर लो अब तो सर्कुलर मोशन खत्म हो गया ना इसके फ्रेम में बैठ गए आपने लगा दिया कहानी खत्म कर लिया आपने अब तो दिक्कत ही नहीं है अब सर्कुलर मोशन में तो रहा ही नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा ये भी थीटा चल जाएगा। रिजोल्व करो फोर्सेस को यहां को कितना आ गया एम जी का कॉस थीटा यहां को कितना आ गया एम जी का साइन थीटा यहां को आ गया एम वी स्क्वायर का एम वी स्क्वायर बाय आर का साइन थीटा यहां को आ गया एम वी स्क्वायर बाय आर का कॉस थीटा। पहले वाली सिचुएशन में ये तो बैलेंस करोगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर जी टेन थीटा लेकिन इस बार v बड़ा है इससे v बढ़ाओगे देखो r फिक्स है थीटा वीटा फिक्स है तो अगर इसी ट्रैक में चलना है r को फिक्स रखना है v बढ़ा रहे हो तो ये वाला नेट बाहर को आने लग जाएगा ये डोमिनेट करेगा इसके कंपैरिजन में। अब यहां से आराम से दिख जाएगा इसकी टेंडेंसी बाहर को जाने की है ना बाहर को स्लाइड करने की ऊपर को तो क्या करेगा बचाव में आता है फ्रिक्शन फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स वो आपको बचाएगा फ्रिक्शन नीचे को आ जाएगा। अरे इतनी बात समझ में आ गई इसमें कोई दिक्कत? नो सर स्क्रीन ब्लर अरे बाकी को भी ब्लर दिख रहा है क्या? नहीं सर नो सर ठीक है अरे अब नाम ना हेडेक है भाई ठीक है। अब देखो अब मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या करोगे देखो इस डायरेक्शन में तो उछलेगी नहीं गाड़ी अब ऐसे करके जा रहे हो ऐसे थोड़ा ना उछलेगी जाएगी तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी तो एक तो चीज कंफर्म है भैया n माइनस एम जी कॉस थीटा प्लस माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो ये तो जीरो के लिए चले गया एन को हम निकाल लेंगे वो दो चीजों को राइट हैंड साइड में भेज देना। इस डायरेक्शन में क्या होगा इस डायरेक्शन में भी अगर बैलेंस करते हो तो एफ प्लस एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा शुड बी जीरो यानी एफ की वैल्यू आ गई है एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस एम जी का साइन थीटा ये आई है फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ठीक है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम होनी चाहिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम होनी चाहिए नीचे वाला मिटा दू सर कितना बनेगा देखो यहां से अब इधर आ जाओ वहां से इधर आ जाना एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा
माइनस एम जी का साइन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना आ गया आपका एम जी कॉस थीटा, ऊपर वाली इक्वेशन देखो, प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, इसमें लिख लेना। ये क्या लगा रखा है आपने, ये सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू कार के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू कार इटसेल्फ, तो ये बन गया आपका इतना। अब v वाले टर्म कलेक्ट कर लो, v वाले टर्म कलेक्ट करोगे तो पहले तो m m m कट जाएगा, v स्क्वायर बाय r cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू, जी कॉमन आ गया तो म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, v स्क्वायर की वैल्यू लेस देन आर जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये बन गया। पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, या कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेते हो तो कितना बन जाएगा, और v को देख लो आप रूट के अंदर ले लो, ये रूट भी लगा दो, आर जी देखो कॉस थीटा से डिवाइड कर लोगे, इसको ऐसे लिख लो, टेन थीटा पहले लिख लेना, म्यू बाद में लिख लेना, नीचे वन माइनस म्यू टेन थीटा, याद करना भी आसान रहेगा थोड़ा सा। अब जरा देखो फ्रिक्शन को जीरो करके देखो, फ्रिक्शन को जीरो करके देखोगे तो ऑटोमेटिकली आर जी टेन थीटा आ रहा है, उससे पहले वाले केस में हमने फ्रिक्शन नहीं लिया था। तो ये है आपकी मैक्सिमम स्पीड, ये आया है आपका वी मैक्स, इससे तेज भाग गए तो निकल लोगे बाहर को, फिर तो कोई नहीं बचा सकता, फ्रिक्शन ने जितना करना था कर लिया, ठीक है। तो ये ए है। अच्छा अगर बी की बात करता हूं मैं, वी अगर लेस देन होता है आर जी टेन थीटा से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v अगर लेस देन होगा आरजी टेन थीटा से, बस फ्रिक्शन ऊपर को आ जाएगा, आएगा, बाकी सारे चीजें सेम रहेंगी कि नहीं रहेंगी। अरे भाई यही तो होगा सर, नहीं समझा। क्या नहीं समझा सर, वो फ्रिक्शन ऊपर कैसे, अरे ये हल्का कर दिया है, जब आरजी टेन थीटा होगा ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा सर, अगर v की वैल्यू लेस देन आर जी टेन थीटा हो गई तो ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसके नीचे को आने की टेंडेंसी है। फ्रिक्शन हमेशा लास्ट में बनाना चाहिए, मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में हमेशा फ्रिक्शन लास्ट में बनाओ, ये डोमिनेटिंग हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा, तो इसके नीचे को स्लाइडिंग टेंडेंसी होगी, फ्रिक्शन ऊपर को लग जाएगा। अरे आई बात समझ में? हाँ सर। बाकी सारे फोर्सेस तो वही है, फ्रिक्शन ने ये कर लिया होगा, रिमेनिंग फोर्सेस आर सेम। अब आप इसको खुद से एनालिसिस कर लेना, मैं आपको आंसर सीधा बता सकता हूं। एफ जहां जहां है, एफ को आपने रिप्लेस किससे कर रखा है लास्ट में, म्यू एन से, तो जहां जहां एफ आया है वहां पर माइनस एफ हो जाना है, और एफ के साथ क्या चल रहा है, म्यू चल रहा है आपका, तो जहां जहां म्यू आ रखा है म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस कर दो, बस म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस कर दोगे तो वी मस्ट बी ग्रेटर देन वाला कंडीशन आएगी आपकी, ये आएगी इतना, आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा, ठीक है। अब देखो क्या है कि मेंस में ये अभी तक तो क्वेश्चन आता नहीं था, 2019-20 से एक आधी बार आ चुका है, क्यों आ चुका है, क्योंकि अब पेपर इतने हो रहे हैं, क्या नया भेजें, तो हर टॉपिक उठा ले रहे हैं, रेन ड्रॉप वाली प्रॉब्लम नहीं आती थी, आने लग गई अब, स्विमिंग वाली प्रॉब्लम बहुत रेयर आती थी, एक ही पेपर होता था पहले, अब हो रहे हैं इतने पेपर, 8-16 पेपर निकल जा रहे हैं हर साल, तो ऑब्वियसली ज्यादा सारा टॉपिक कवर करते हुए चलना पड़ेगा आपको, छोटे मोटे ही हैं लेकिन ये याद करना भी बहुत आसान है, आपको दिख रहा है इसमें ऊपर प्लस आएगा, इसमें नीचे माइनस आएगा, मैक्सिमम निकाल रहे हो आप, ये क्या आ गई, ये जो वेलोसिटी आ गई है ये क्या आ गई है, ये मिनिमम वेलोसिटी है, इसका आप खुद से एनालिसिस कर लेना, मैं नहीं करवा रहा हूँ इसका एनालिसिस, ठीक है, इसका करा दिया है, मिनिमम के लिए बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, बाकी पूरा सॉल्व कर लेना,
लिख लो इसको, लिख लो। अभी देखा वो बैंड पे लिखा होता है इतने से इतना स्पीड में गति मेंटेन करिए, सावधान करके लिखा होता है इतने से इतनी गति पर चलिए, पहाड़ों में देखना। दो लिमिट देते हैं वो, कहीं पर ब्रेकर ब्रेकर आता है कुछ ऐसी वो होती है जहां पर बैंड नहीं है, शार्प टर्न है वहां तो अलग ही बात हो जाती है। वहां पर कहता हो शार्प टर्न के जहाँ रोड रोड टूटी होती है या फिर वो होता है वहां तो बोलता है इतने से ज्यादा मत चलिए, लेकिन जहां बैंड बैंड आते हैं वहां पर लिखा होता है कि भैया इतने लिमिट दी होती है इतने से इतना, तो वो इसीलिए दी जाती है ये और ये। मान लो ये आया है आपका 70, ये वाला रखा है आपका 30, तो क्या करेगा वो लिमिट देगा 40 to 60। ये 70 आ रखा है, ये 30 आ रखा है, तो इंजीनियर सही लिमिट नहीं लिखवाता, इंजीनियर कहता है इसको करो पहले तो 60 कराओ, जो मिनिमम वाली है उसको 30 की जगह 40 करवाओ। होता क्या है कि ह्यूमन टेंडेंसी है रूल्स का उल्लंघन करना, तो जब 60 कहेंगे तो भी वो जाएगा 65 तक तो जाएगा ही, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर चल देगा वो, और 40 कह रखा 40 से कम मत चलाना, वैसे तो मिनिमम और कम होती है 20 आई होगी, कैलकुलेट करके हम जब निकालेंगे 20 आई होगी, वो मेंशन करेगा 30 चलाओ, कम से कम 30 चलाओ नहीं तो नीचे वो खिसक जाओगे। तो अब ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन हल्का तो कोई नहीं चलाता, तेज चलाते हैं, तो तेज में वो और क्या करेगा, मान लो कैलकुलेट होगा रखी 70, तो कोशिश करेगा वो 55 लिख दे, ठीक है, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं उसको हम, उतना स्लो चलाए तो क्या होगा सर? हैं स्लो चलाने पे क्या होगा सर? ज्यादा देखो क्या होता है, पहाड़ों में एक साइड पहाड़ होता है, पहाड़ के साथ टकरा जाएगा बस और कुछ नहीं होगा, ज्यादा तेज भागा तो खाई में निकल लेगा। हर साल होते हैं 2-3 यहाँ हमारे अगल बगल ही निकल लेते हैं, सही टाइम पर फिजिक्स पढ़ेंगे नहीं फिर निकल लेंगे। सर अगर बैंकिंग को रिवर्स किया तो क्या होगा? रिवर्स किया मतलब सर अभी मतलब आउटसाइड? ओए भाई उसमें तो और नुकसान करवाओगे कि नहीं करवाओगे तुम, यहाँ पर तो अभी नॉर्मल भी तो सपोर्ट कर रहा है उसको घुमाने में, अगर आप सही मायने में देखो सेंट्रिपिटल में उठाने से हुआ क्या, उठाने से नॉर्मल ने सपोर्ट करना चालू किया था कि नहीं किया था, जब हमने विदाउट फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें नॉर्मल ने सपोर्ट किया था कि नहीं किया था? नॉर्मल का ही तो वो कंपोनेंट था साइन थीटा जो एमवी स्क्वायर बाय आर दे रहा था, ग्राउंड में फ्रिक्शन था, हमने उठाया, हमने कहा पहले फ्रिक्शन को हटा के करते हैं, तो नॉर्मल सपोर्ट करवा दे रहा था, अब उल्टा करोगे तो नॉर्मल तो उल्टा करवा देगा ना उसको, वो तो और चाहेगा कि बाहर निकल ले भाई, आई बात समझ? क्योंकि ऑलरेडी ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के कारण उसकी बाहर जाने की टेंडेंसी है, तो आप उसको थोड़ा उठा दोगे तो नॉर्मल बचा लेगा आपका। ओके सर, चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लिखो उसको फटाफट लिखो। हाँ भाई
हो गया क्या? लिख लिया? यस सर। देखो पहले एक करते हैं, बढ़िया प्रॉब्लम। एक आपकी सॉल्व एग्जांपल है, सर गो खा लो। लगा है अपने भाई इसमें, देखो आपका सॉल्व एग्जांपल इसमें कौन सा है? 37। इसको देखो, a ring which can slide, a ring which can slide, ये हो गया हमारा। Oh my god, कौन भेज देता भाई है, किसके दोस्त दोस्त होते हैं? कर लिया आउट कर दिया भाई। चलो देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका देखा उसमें, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, उसको ऑब्जर्व करो। देखो एक्सरसाइज का सॉल्व एग्जांपल है, आपसे क्या कह रहा है, ये रॉड दे रखी है, इसमें एक रिंग है, ठीक है ना, रॉड दे रखी है, इसमें एक रिंग दे रखी है, आपसे कह रहा है स्मूथ रॉड है। सॉल्व एग्जांपल देख लो, सॉल्व एग्जांपल 37 है शायद, लास्ट लास्ट में ही होगा, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन अपेरेंट वेट के ऊपर है एक। तो L लेंथ का है ये, शुरू में L by 2 दे रखी है, L लेंथ का है ये, L by 2 दे रखी है, टोटल लेंथ L दे रखी है, ओमेगा से घूम रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द स्पीड विद विच, फाइंड द स्पीड विद विच ये रिंग है आपकी, रिंग इसका मास m, रिंग का मास नहीं दे रखा है शायद आपका, वैसे भी वो कट जाएगा, ठीक है ना, रिंग दे रखी है आपको, विद विच रिंग विल लीव द रॉड, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ऐसी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? अब ग्राउंड फ्रेम में इसको लेके चलोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये शुरू में रिंग, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर रेस्ट पर थी, अगर रॉड के फ्रेम में बैठोगे तो धीरे धीरे बाहर को निकलते हुए दिखाई देगी, और ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो ग्राउंड फ्रेम से क्या होगा, आगे भी जाएगी और ऐसे भी निकल रही होगी, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वहां को जा रही होगी, तो ग्राउंड फ्रेम को से सोचना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इतना समझ में आता है क्या? एक्चुअल में वो रॉड के रिस्पेक्ट में बाहर को जा रही है, रॉड के रिस्पेक्ट में बाहर को जा रही है,
लेकिन रिंग एक्चुअल में बाहर थोड़ा जा रही है, कौन भेज रहा है? सूडो फोर्स तो फिक्सियस फोर्स होता है। एक्चुअल में रिंग ऐसे कर रहे हो ना, रिंग अपना ट्रेक्टी सीधा ही रखना चाह रही है, वो क्या हो रहा है, रॉड घूम जा रही है। ऐसा आप ये समझो, रिंग यहाँ पर है तो रिंग तो अपना सीधा जाना चाह रही है, ये रॉड घूम जा रही है। रॉड जब घूमेगी तो ये बाहर को जाता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? क्योंकि अगर हम रिंग की बात करें, रिंग पर क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल नॉर्मल लग रहा होगा, एक एमजी लग रहा होगा, नॉर्मल भी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होगा, मतलब जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जैसे मान लो मैं इसको वर्टिकल में दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आपको विजुलाइज कराना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वर्टिकल में अगर ऐसे करके घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ही मानो, लेकिन मैं वर्टिकल में दिखा रहा हूँ आपको, तो रिंग ऐसे करके है, जब ये ऐसे करके जाएगा, ये घूमेगा, ये तो सीधा जाना चाह रहा था, सीधा जाना चाह रहा था, देखो बाहर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है? तो आउटवर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप इसके फ्रेम में देखोगे तो बाहर को निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके फ्रेम में बैठोगे तो बड़ा अच्छा एनालिसिस हो जाएगा, बड़े आराम से एनालिसिस हो जाएगा इसका। लेकिन अगर ग्राउंड फ्रेम से देखोगे, भैया नॉर्मल नॉर्मल कितना आ रहा है, ये सब चीजें बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है? फोर्सेस को एनालिसिस करना, वो नॉर्मल कितना आ रहा है, क्या हो रहा है, वो एनालिसिस बड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो तब इसको इस प्रॉब्लम में आपकी मजबूरी पड़ जाएगी, इस प्रॉब्लम में आपकी मजबूरी पड़ जाएगी, इस प्रॉब्लम में आपकी मजबूरी पड़ जाएगी कि इसको वो कैसे किया जाए। ठीक है, इसमें देखो कैसे करोगे इसको। अब मान लो यहां पर तो रेस्ट से चालू कर रखा है, मान लो जब ये एक्स डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, इसके फ्रेम में बैठ जाओ, विद रिस्पेक्ट टू रॉड सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो रॉड के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, जब ये यहां से एक्स डिस्टेंस पर होगा, तो क्या इस पर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बाहर को विद रिस्पेक्ट टू रॉड सॉल्व कर रहे हो तो ये लगेगा एम जी एम जी एक्स। प्रितेश कर लो भाई, सॉरी सर गलती से अनम्यूट हो गया। तो ये हो जाएगा, ठीक है? एम जी ऐसे आएगा, एक नॉर्मल नॉर्मल लगेगा कुछ ऐसे करके, लेकिन रॉड के रिस्पेक्ट में बाहर को जा रहा है, उसको भगाने वाला फोर्स एक यही होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स को, क्या एम ओमेगा स्क्वायर एक्स को आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यहाँ की वेलोसिटी लेट से वी है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, इसको लिख सकते हो आप वी dv by dx, बताओ। इसको v dv by dx लिख सकते हो आप, m से m कट गया तो v dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर x dx। कहां से कहां तक, ओमेगा फिक्स है, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा। x की वैल्यू जब l by 2 पर थी, इसकी वेलोसिटी रॉड के रिस्पेक्ट में रिलीज किया था यहां से, तो एक्चुअल में उसकी वेलोसिटी होगी ऐसे डायरेक्शन में, ओमेगा आर, ओमेगा एल बाई टू फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, लेकिन रॉड के रिस्पेक्ट में रिलीज कर रखा है, बाहर को अभी कुछ नहीं है वेलोसिटी, तो जीरो। जब आपका ये एल तक पहुंच जाएगा, स्पीड हो जाएगी वी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करके देखोगे, इसका आंसर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू, इधर कितना बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट कहां से कहां लग जाएगी, एल बाई टू से लेके एल तक, ये सिनेरियो हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 से 2 कटेगा, रूट ले लो, रूट के अंदर चल जाएंगे आपके, एक काम करो आराम से, चलो एक और स्टेप में लिख लेना। कितना हो गया, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 4, तो ओमेगा स्क्वायर 3l स्क्वायर बाय 4। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट लोगे तो रूट थ्री बाय टू ओमेगा एल, ये निकल के आ गई है। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है। जब वो यहां से रिलीज हो रहा होगा, जब वो यहां से रिलीज हो रहा होगा, ये वाली स्पीड आई है, लेट से इसको वी नॉट बोल देते हैं, तो ये वी नॉट आई है, लेकिन ये सामने को टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ओमेगा एल भी लेके चलेगा। दो स्पीड होंगी कि नहीं होंगी इसकी, ठीक है ना? इसके दो स्पीड होंगी कि नहीं होंगी, एक तो वी नॉट होगी, एक ओमेगा एल होगी, तो दो स्पीड होंगी आपकी।
तो रिजल्टेंट स्पीड कहां को आएगी? रिजल्टेंट बीच में. तो वी नेट कितनी लेके चलेगा? वी नेट लेके चलेगा अंडर रूट ऑफ वी नॉट का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर. ये आपका फाइनल आंसर आएगा. ग्राउंड फ्रेम है वो, एक एंगल पर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे समझ में आई बात है, क्या हो रहा है इसमें? कोई प्रॉब्लम अच्छी है? ठीक है, मेंस के लिए तो अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है, एडवांस के लिए ठीक है, एवरेज प्रॉब्लम है. तो आप रॉड के रिस्पेक्ट में बैठे, रॉड के रिस्पेक्ट में बाहर को जाता दिखाई दिया, वो वाली स्पीड निकाल ली. अब उसने स्पीड पूछ रखी, स्पीड तो ऑब्वियस ही बात है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछी हुई होती है. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ओमेगा एल भी लेके जाएगा, ओमेगा एल भी लेके जाएगा और वी नॉट भी लेके जाएगा. तो उनका रिजल्टेंट जहां को होगा वहां को जाएगा. लिख लो भाई, लिख लो. भाई नेक्स्ट क्लास में ले आना क्वेश्चन वेश्चन करके, सर्कुलर आज कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है ना? सर्कुलर में बस है. अरे कौन है भाई, मत बोला करो. सर्वेश एक माइक वैक चलता नहीं, तुम बस खाली टाइप किया करो. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा सर्कुलर मोशन की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट चाहिए भाई, मैं डिस्कस करूंगा. किसी का पुराना बचा होगा, पुराना वर्क पावर एनर्जी तो हमने डिस्कस कर लिया शायद, है ना? वर्क पावर एनर्जी तो डिस्कस कर लिया हमने. नहीं नहीं अर्थ रोटेशन बचा हुआ है, छोटा सा बचा हुआ है, 10-15 मिनट का काम बचा हुआ है. भागने की बड़ी जल्दी होती है आप में. तो नेक्स्ट क्लास मोस्टली हमारा 1 घंटा तो डिस्कशन पर जाएगा ही जाएगा. लिख लिया के चलो मिटा रहा हूं मैं. अरे रोहन अपनी क्लास में है क्या कोई? ठीक है, टाइम काफी बाकी है भाई, टेंशन मत लो.
देखो भाई क्या हो जाएगा, क्या है आपका टॉपिक? टॉपिक है आपका अपेरेंट, हेडिंग डाल लो, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन अपेरेंट वेट। Effect of Earth's rotation on apparent weight. रोटेशन के चक्कर में वेट पर क्या फर्क पड़ता है अर्थ के रोटेशन के चक्कर में? कैसे करोगे इसको? अच्छा वो देखा था आपने, अच्छा एक बात बताओ, ये वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन रखी हुई है, यहाँ पर इंसान खड़ा है, इंसान का मास m है, वेइंग मशीन क्या रीड करती है आपको पता है ना? वेइंग मशीन क्या रीड करती है? नॉर्मल। नॉर्मल अगर मैं इसको ऊपर को एक्सेलरेट करा दूंगा इसका वेट कितना बताएगी वो? बताओ। अरे अभी वेट कितना होता है? एम जी प्लस ए, इतना समझ में आता है क्या? एम जी नहीं बताएगी, एम जी प्लस ए बताएगा। अरे समझ में आया? हाँ सर। एक्चुअल वेट तो एम जी है लेकिन इस केस में एम जी प्लस ए बताएगा, ये जो वेट बता रहा है अदर देन नॉर्मल जो रेगुलर वेट होता है इस बार दूसरा, इसको अपेरेंट वेट बोला जाता है, ठीक है? अब वही कहानी यहाँ पर भी करनी है अर्थ के रोटेशन में, इसमें समझ में आया ना? n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए करोगे, नॉर्मल आपका एम जी प्लस ए निकल के आ जाएगा, या फिर इसके फ्रेम में बैठ जाओ, इसके फ्रेम में बैठोगे तो एम जी और एम ए लग जाएंगे नीचे को, सूडो फोर्स लग जाएगा, तो सेम कहानी ये है। तो यानी इसमें जी इफेक्टिव कितना बन गया? जी प्लस ए। अब यही कहानी हमें रोटेशन ऑफ अर्थ में लगानी है। रोटेशन ऑफ अर्थ में क्या हो जाएगा? ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, लेट से हमारी एक्सिस वर्टिकल है, घूमने को तो थोड़ी टिल्टेड होती है, इससे समझना आसान हो जाएगा। इसके बाद ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा आप जानते हो, ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा कैसे निकालते हो? 2 पाई घूम जाती है कितने समय में? 24 घंटे में, इंटू 3600, ये ओमेगा आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड में। अच्छा ये एक पेट्रोल लाइन है, यहां से कोई जनरल थीटा पा जाओ, इस जनरल थीटा पे क्या हो रहा होगा? एक तो एम जी लगता है ऐसे करके, एम जी ऐसे लगेगा, और ये वाला पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा ऐसे करके, अर्थ इसके बाद घूम रही है, तो अर्थ के फ्रेम में देखोगे तो इस पर बाहर को लग जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर, लेट से स्मॉल आर है, ये लगेगा कि नहीं लगेगा? ये क्या लगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये वाला कैपिटल आ रहा है आपका, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर ये हो गया, और ये वाला हो गया एम जी डोमिनेटिंग होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर को लिख सकते हो आप आर का कॉस थीटा, जरा ध्यान से देखना, आर को लिख सकते हो आर का कॉस थीटा आ जाएगा ना, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है कैसे आएगा? रिजल्टेंट यहां को आ जाएगा एम जी इफेक्टिव, ये होता है आपका अपेरेंट वेट, ये हो जाएगा अपेरेंट वेट, यानी बेसिकली आपको जी इफेक्टिव निकालना है, उसको एम से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हुआ क्या, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? ये वाला एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। थीटा क्या होता है? यहां से जो भी मेजर करते हो थीटा यहाँ पर लैटिट्यूड है, इसलिए मैंने यहां से मेजर कर रखा है एंगल, ताकि डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ आप लैटिट्यूड बता सको। तो क्या बचा मेरे ख्याल से, एम जी को जब ब्रेक करोगे इधर को कितना बच चुका होगा? एम जी का कॉस थीटा जनरली डोमिनेटिंग होगा, नहीं तो फिर वो इधर को आ जाएगा, तो यहां को आ जाएगा एम जी का कॉस थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर का कॉस थीटा, और नीचे को आ जाएगा एम जी का साइन थीटा, इनका रिजल्टेंट आपका एम जी इफेक्टिव बनता है।
ठीक है, तो कितना आ गया एम जी इफेक्टिव, कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ एम जी कॉस थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस एम जी साइन थीटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा, ये आपका अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट है, ठीक है। अलग से केस क्या होते हैं, अलग से केस क्या होते हैं पोल्स पे, एट पोल्स क्या हो जाएगा, एट पोल्स थीटा आपका 90 बन गया, जैसे ही थीटा 90 बना वहां पर कोई सूर्य फोर्स लगने वाला नहीं ना, इस पॉइंट पर देखो सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कुछ लगेगा ही नहीं, ये तो जीरो रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं, तो खाली mg ही लगेगा, तो यहां पर अपेरेंट वेट जो आएगा, अपेरेंट वेट वो इक्वल टू रियल वेट हो जाएगा, रियल वेट और वो हो जाएगा mg के बराबर, सिंपली mg के बराबर, यहां पर ये रहेगा। इक्वेटर पर क्या होता है, इक्वेटर पर एट इक्वेटर, एट इक्वेटर थीटा जीरो हो गया है, यहां अलग से एफडी बना दो, अगर हम इक्वेटर की बात करेंगे यहां बना देता हूं एम जी एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर हो जाएगा, तो एम जी की जगह कौन काम कर रहा है, एम जी की जगह पर काम कर रहा है एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो जाएगा आपका अपेरेंट वेट, ठीक है। जनरली प्रॉब्लम इसकी रहती है कि भैया यहां इक्वेटर से मैं पोल्स पर जा रहा हूं तो कितना वजन बढ़ जाएगा, कितना वजन में चेंज आ जाएगा, इक्वेटर पे कम मेजर होता है वेट, पोल्स पे जाओगे सेम मेजर हो जाएगा, मास सेम रहता है आपका। ओके हाँ सर, लिखो लिखो सर, इसके बाद सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा क्या, उसके बाद सर्कुलर मोशन, हाँ सर्कुलर मोशन हो गया ना, कंप्लीट हो गया आपका, अगले चैप्टर का नाम क्या है, अब तुमने कितना पढ़ लिया जो तुम्हें अगले चैप्टर का नाम चाहिए, हैं क्या है अगले चैप्टर का नाम, क्या करोगे जानते हो तुम, हैं कुछ नहीं सर, तो फिर स्किप करना चाह रहे हो उसको या पहले से आता है तो बता दो, फिर बता देता हूं मैं, कुछ आगे का पढ़ा है कुछ से तो
सर जो वीडियो मेरे मतलब नहीं हुआ है वो मैं रिकॉर्डिंग मिल सकता मुझे? हाँ हाँ वो उसमें कह रहा था ना उस, अरे यार देना भाई कोई नहीं तो यूट्यूब में जाके मैसन इंपल्स देखना, फिर उसमें देखना पड़ेगा आपको, उसमें अलग अलग उससे नाम से है, ठीक है उसमें सर्कुलर चैप्टर का ना पूरा चैप्टर और फिर की सब मतलब सब सिलेबस के साथ। अच्छा सर इसके रिकॉर्डिंग रहते कि कोई वीडियो बना के डाला हुआ कि इसके रेस्पॉन्स ना, यही रिकॉर्डिंग होगी, यही रिकॉर्डिंग होगी भाई, इतनी मेहनत थोड़ा करनी होती है। ओके सर सब वीडियोस मिल जाएंगे? केतन को बताओ यार, केतन ही बॉस है यहां का। हां भाई केतन गुरु बताओ। ऑलमोस्ट सारे डाले हैं केतन ने भाई, तो मिल जाएंगे उसमें है ना, लेक्चर वन लेक्चर टू करके डाल रखे हैं। ओके सर उसमें डाल जाना उसमें। अरे मेरे को भेज के क्या करोगे यार सर्विस वहां, उसमें दे देना। ग्रुप में है कैसे ये कौन से ग्रुप में? अरे एक काम करो मैं भेज दूंगा, मैं वो ज्वाइन नहीं किया हुआ उनका क्या बोलते हैं अकबर सर का, तो आ गया एसी टू करके कोई ग्रुप में मेरे को अकबर सर ने ज्वाइन करो ज्वाइन ये ऐड किए। हाँ चलो ठीक है एसी टू वाले में कर रखा भाई, भेज देना कोई। हाँ कलाकारों लिख लिया ये? हाँ सर लिख लिया। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन करोगे एक है सर्विस? हाँ सर कल करते हैं ना है? कल करते हैं, कल करते हैं। सर कल आपका क्लास ही नहीं है। वही तो मतलब जब भी होगा तब भी करेंगे, 6 बज गए थे। छह बज गए हैं, रुको एक आधे ढूंढ लेता हूँ मैं प्रीवियस ईयर में कितना रखा है सर्कुलर मोशन, दिख तो कोई नहीं रहा है सर्कुलर मोशन के डायरेक्ट क्वेश्चंस। हाँ है सर, तो अभी तक कितने चैप्टर्स हो गए हैं इसमें फिजिक्स में? फिजिक्स यार काफी हो गई भाई, मतलब देख लो काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फिर उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी और ये इसके बाद ये सर्कुलर मोशन। अब मैं क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए दूंगा, तुम करोगे नहीं, तुम हो कामचोर इंसान। तो कर लेंगे घर पे पक्का? चलो फिर ठीक है इतना ही रखते हैं, कोशिश करना भाई जो जेई मेन का वो कर रहे हैं ना एक्सरसाइज वन कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो और निकालना भी चाहते हो थोड़ा सा सही से रैंक वैंक पड़ जाए तो प्रीवियस ईयर कर लेना, ठीक है तीनों सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है, मस्ट है भैया जेई मेन कम से कम 1920 की कर लेना और 21 के पेपर भी आ जाएंगे, 21 के जब पेपर आएंगे उनको पेपर की जोड़ देना ठीक है लास्ट में, तो अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी आपके। चार पेपर हो रहे हैं मतलब चार अटेम्प्ट में हो रहा है तो हर उसमें आठ पेपर भी होंगे, 8 × 32 पेपर मिल जाएंगे आपको, तो आप अगले साल दिसंबर के टाइम पर टारगेट करके चलना कि दिसंबर के टाइम पर मैं देने लग जाऊंगा फुल टेस्ट, उससे पहले 2020 तक का प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट कर लेना और बाकी अपना कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलो। जो एडवांस की सोच रहा है उसके लिए घातक है, घातक क्या है क्योंकि इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा और क्वेश्चन होते हैं बहुत सिमिलर, मतलब बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन है, वो तो भाई एक्सरसाइज टू करे, एक्सरसाइज थ्री आईटी का प्रीवियस ईयर करे और HLP पर जाए। बाकी अब आपको अपना कैलिबस समझ में आ गया होगा, अब तक समय हो गया है ठीक है, कितने आईटी के क्वेश्चन बन पाते हैं नहीं बन पाते, तो ये है सिनेरियो। नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर मोशन एक्सरसाइज वन पूरा डिस्कशन किया हो या ना किया हो मैं तो करूंगा क्लास में डिस्कस ठीक है, और क्या बोलते हैं बाकी उससे प्रीवियस क्या चला था हमारा वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी का भी किसी के डाउट्स होंगे एक्सरसाइज टू वगैरह के एक्सरसाइज वन में करनी डिस्कस वो भी ले आना, एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज थ्री। चलो आज तो इतना ही रखते हैं, निकलो फटाफट, बाय 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 सर।
बाय बाय। सर मैं अभी वीडियोस देखना स्टार्ट करूंगा तो कितना हार्ड पड़ेगा मुझे? 10th में कितने परसेंटेज आ गई थी तुम्हारी? सर 94.40। सीबीएसई? नहीं सर एसएससी। ये यहाँ क्या बोलते महाराष्ट्र बोर्ड? यस सर। 94.8 तब तो सही है, ठीक ठाक। कितने? अरे भाई और कोई है महाराष्ट्र बोर्ड का? देखते हैं जरा, रुको अभी पता करते हैं। आकांक्षा कितनी आई थी परसेंटेज? मेरा सीबीएसई था। देखो परसेंटेज के नाम पर सीबीएसई बना देंगे। अथर नहीं सर सच में। एचएससी बोर्ड का जो है कोई भाई बताए तो मेरे को आइडिया लग रहा है एचएससी बोर्ड का कितना चलता है। जरूरी है डिस्कस नहीं करेगा तो मतलब नहीं ना। अरे माइक ऑफ कर लो भाई। हाँ भाई किसी का रोही एचएससी बोर्ड था क्या? श्रुति ताहा तेजस किसी का एचएससी बोर्ड? श्रुति का नाम सर मेरा था। बताओ कितनी आई, तुम्हारी कितनी आई थी? 95। किसकी किसकी? एसएससी। अच्छा तेजस की। हाँ ठीक है, मतलब बहुत दूरी भी नहीं है बहुत सही भी नहीं है, ठीक है। देखो मेहनत करनी पड़ेगी। तेजस अभी कितना पढ़ते हो, कितना घंटा हो जाती है स्टडी? अरे कंपटीशन सीरियसली ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? खाली बस मजे में चलते जा रहे हो बस है? अरे हो जाएगा, उससे कवर अप हो जाएगा। आप वीडियोस देखना, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्लियर वीडियोस नहीं है, 360p पर है उसमें। हां सर चलेगा, मैं उस पे वीडियो देखता हूं। नेट भी उतने नहीं है ना। हां हां तो मैसेज इंपल्स पर जाके उसमें देख लेना। मैसेज इंपल्स पर जाना, उसकी वीडियो सेक्शन पर चले जाना, YouTube पर सर्च मार लेना मैसेज इंपल्स और उसमें सर लिंक भेज जाए मेरे ग्रुप में इसी टू। हां तो ठीक है, उसमें से देख लेना। Okay, हो जाएगा, उससे कवर अप हो जाएगा। कोशिश करना काइनेमेटिक्स छोड़ देना, उसके आगे से न्यूटन लॉ से एनएलएम करके होगा, एनएलएम करके होगा या न्यूटन लॉ करके, जैसे भी केतन ने डाले होंगे उससे पता चल जाएगा। एनएलएम होगा या न्यूटन लॉ करके डाल रखा होगा शायद, उसको छोड़ दो। नहीं वहां से चालू करना, एनएलएम होता अच्छा। है फिर फ्रिक्शन होगा, फिर वर्क पावर एनर्जी होता है, वर्क पावर एनर्जी और फिर सर्कुलर है, फिर सर्कुलर है। वर्क पावर एनर्जी को WPE करके डाल रखा होगा, पता नहीं यार मैं तो ऐसे लिखता हूँ, कितने जैसे डालूंगे ठीक है। ये चार चैप्टर न्यूटन लॉ से चालू करना, काइनेमेटिक्स तो छोड़ दो तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके सर। मैथमेटिकल टूल थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है क्या? मैथमेटिकल टूल नहीं सर। पर कैसा गंदा फंस गया था भाई, कहाँ फंस गया झारखंड में ऐसा, मतलब बिल्कुल कुछ कुछ पढ़ाई नहीं दूंगे तो जीरो से चालू करोगे क्या? नहीं सर जीरो से चालू नहीं, महाराष्ट्र बोर्ड जैसे यहाँ पे 11th का जो जयंत कॉलेज में जो बुक चलेगा उसका मैंने किया, मतलब 3-4 चैप्टर सब सब्जेक्ट के हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के दोनों के, लेकिन सर इसका कुछ चालू नहीं किया था। वो ओन से स्टडी ये IIT के लिए ओन से, मतलब मैं वीडियोज देख के यूट्यूब पे पवन सर और दिनेश सर के वीडियोज आते थे मैथ के, उनके करता था HSC के लिए सर। ओके चलो, मैथमेटिकल टूल्स थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता? सर वो तो सीखा ही नहीं अभी तक। चलो ठीक है, वेक्टर वेक्टर यस सर, वेक्टर के बारे में थोड़ा ही बहुत पता है। ये वेक्टर भी नहीं मतलब आए कैसे कैसे ब्रेक किया बने, ये तो क्या हवा नहीं सर कुछ भी सर ऊपर से गया सर। अरे यार भी कलाकार इंसान हो, एक काम करना अखबार सर से बोलना पहले तो सारे मटेरियल की PDF भेज दे मेरे को, है ना? सर वहाँ पे बुक्स अवेलेबल है ना, वहाँ से ले लूँ? हाँ तो वहाँ से ले लूँ ना, तुमने जब ज्वाइन कर लिया तो मटेरियल लो और क्या। तो हाँ सर चालू करो मैथमेटिकल टूल से, सबसे पहले वेक्टर पढ़ लेना, बिना वेक्टर के काम बनने से रहा ठीक है।
और इतना कुछ है नहीं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, और कोशिश करना फिजिक्स में ज्यादा कर लेना, क्योंकि फिजिक्स में सारे चैप्टर लिंक अप है आगे के। तो मैथ वैथ में क्या है, मैथ और केमिस्ट्री में क्या होता है, एक चैप्टर ऑर्गेनिक जब तक चल रही है वो लिंक अप में चलती है एक, उसमें फिजिकल में इतनी कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। लेकिन फिजिक्स तो अभी जो मैकेनिक्स चल रही है पूरा एक रिदम पर है, जो बीच में से ज्वाइन करता है उसका तो कुछ पल्ला ही नहीं पड़ेगा। तो आज तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, अब यार बीच में ये लोगों को ये पकड़ में ये हिले पकड़ पा रहे हैं, उन्हें पहले फ्लो बनाते हुए चल रखे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती। तो बीच में ऐसे जाओगे कोई भी चैप्टर, अगला चैप्टर भी नहीं पकड़ में आएगा उसका अगला भी नहीं आएगा, जीरो बिल्कुल जीरो लेवल पर चलोगे। चलो अगले में सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लोगे, लेकिन वो भी नहीं सीख पाओगे क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं आता तुम्हें। फिर उसका आगे रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें भी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। यार बड़ी दिक्कत है, एक काम करना फिर उससे देख लेना यार, मैथ्स इंपल्स में मैंने वीडियो भी वो डले हुए ना, तो मैथमेटिकल टूल्स के भी डले हुए हैं उसमें, है ना, वेक्टर वेक्टर भी पढ़ा रखा है मैंने उसमें। फास्ट फॉरवर्ड करना, फास्ट फॉरवर्ड मतलब 1.5 की स्पीड पर चलाना, है ना, ताजा कॉन्सेप्ट समझ से होंगे बस वो समझ लेना, क्योंकि वो लेक्चर के वीडियोस हैं तो उसमें काफी बकवास भी हुई है। हाँ सर ठीक है, चलो चलो जाओ जाओ। अरे मीटिंग में तुम एंड नहीं कर सकते हो क्या, हैं? तुम पर ऑप्शन नहीं होता क्या? सर है, मैं सोच रहा हूँ कैसे करूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कंसल से बात कर रहा हूँ मीटिंग एंड करने की। रिकॉर्डिंग चालू है ना? क्या हो गया?